कि क्या अशोक गहलोत ने भी डर के चिट्ठी लिखी पीएम मोदी को गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत करते हुए, क्योंकि अशोक गहलोत के भाई के भी एक कथित घोटाले की जांच शुरू हो गई। संबित पात्रा बोलिए, क्या एजेंसी के इस्तेमाल का आरोप जो उन पर लगाते हैं वो आप पर भी लागू नहीं होता, क्योंकि ये सारी एजेंसियां जब तक कांग्रेस की सरकार में हलचल नहीं थी, सचिन पायलट बगावत का झंडा लेके खड़े नहीं हुए थे, किसी को चिंता नहीं थी कि अशोक गहलोत के भाई ने कोई घोटाला कर रखा है, किसी को चिंता नहीं थी कि अशोक गहलोत के दोस्तों के घर में पैसा रखा होता है अनअकाउंटेड, जिसको जांच लेना चाहिए। पात्रा जी देखिए, रोहित जी पहली बात तो है, आज गजेंद्र जी के ऊपर इन्होंने कोई केस ओपन करने की बात की। आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी ने कहीं बाइट देकर कहा कि कुछ नहीं होना चाहिए, ये हमारे खिलाफ बदले की भावना के साथ की जा रही है। हमारा आंचल पाक साफ है, हमें किसी प्रकार का डर नहीं, आप करते रहिए जो करना है, बिल्कुल करिए, हम कभी नहीं कहेंगे। और जहां तक ये एजेंसियों की बात है रोहित जी, आप याद करिए, अगर ईडी रेड नहीं करती है, सीबीआई रेड नहीं करता है, और बड़े बड़े करप्शन के घोटाले मेंशन होते हैं, 2G 3G, ये जी जीजा जी, आप ही लोग पूछते हैं, मैं आप मतलब केवल आप नहीं कह रहा हूं, मतलब जनता पूछती है कि भैया इतने घोटाले हैं तो कर क्या रहे हो, और ये कांग्रेस वाले सुबह आके चिढ़ाते हैं, अच्छा हमारे खिलाफ केस है तो सीबीआई करो ना, ईडी करो ना, आओ ना, रेड करो ना, और जब रेड होता है तो रेड कर दिया, ये क्या मजाक लगा रखा है। देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा अमित शाह को नानी याद आ जाएगी, ये लोग अमित शाह को नानी याद दिला देंगे, और नड्डा जी की चलती नहीं है, मैं अभी नानी याद दिलाता हूं। देखिए पिताजी मतलब बेटा का नाम तो पता है राहुल गांधी, हमने कैसे नानी याद दिलाना है, सुनिए पैर हो जाएगा मेरे खिलाफ आज। माँ का नाम एंटोनियो माइनो, नानी का नाम बताता हूं काइया माइनो, मैं पूरा इतिहास लेके बैठा हूं, काइया माइनो, एंटोनियो माइनो, राहुल गांधी, यह है नानी याद दिलाना। नानी का नाम भी लेंगे तो आप FIR करेंगे, और आप बोलते हैं अमित शाह को नानी याद आ जाएगी, और नड्डा जी की चलती नहीं है, मैं बोल रहा हूं सोनिया जी और राहुल जी की इतनी चल रही होती पार्टी में तो ये बैंगन बेचने तक की नौबत क्यों आ जाती। मैं एक सवाल पूछता हूं, और आप इस सवाल को लेकर जरा मेरे भाई के पास जाइए, रोहित जी सवाल है कि क्या सचिन पायलट निकम्मा है, सचिन पायलट नकारा है, सचिन पायलट धोखेबाज है, और सचिन पायलट गद्दार है? यह सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं, अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के लिए पूछा है, और पूछिए जरा कांग्रेस के प्रवक्ता से कि मानते क्या है ये, सचिन पायलट इनका है या इनका नहीं है? सर, चलिए, और नानी का नाम काइया माइनो है, काइया माइनो। मैं दो बार इंटरवीन कर चुका बीच में, वापस आप दोनों को घड़ी पे ला रहा हूं, डेढ़ डेढ़ मिनट अपनी बात रख लीजिए। अब पवन खेड़ा जो संबित पात्रा सवाल पूछ रहे हैं, एक तो ये कि क्या सचिन पायलट निकम्मा है नकारा है, हालांकि ये विषय पीछे छूट गया क्योंकि अब बात आगे आ गई, अब बात अदालत तक आ गई और एजेंसियों के दुरुपयोग तक आ गई। क्या आप लोग भी इस समय आफत में आए तो आपको नहीं याद आया कि भाई मंत्री जी का पुराना कोई केस पड़ा हुआ, इसको निकाल लेते? क्या आपको भी गहलोत जी के भाई के घर जांच एजेंसी का पहुंचना बुरा लगा, तकलीफ हुई, तभी आपने पीएम को चिट्ठी नहीं लिखी? खेड़ा जी, डेढ़ मिनट आपका शुरू हो रहा। नहीं नहीं, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखना एक चुने हुए मुख्यमंत्री द्वारा, उसमें क्या कोई गलत लगता है आपको? उस चिट्ठी में एक शब्द भी आपको ऐसा असंवैधानिक लग रहा हो, कुछ गलत भाषा का प्रयोग किया हो, उनका अधिकार है। वो उनको याद दिला रहे हैं कि जब कोरोना से लड़ना था तब आप मध्य प्रदेश में पता नहीं क्या गुल खिला रहे थे, अब राजस्थान में भी वही कर रहे हैं, बीच महामारी के आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं ये स्पष्ट हो गया आपके सामने। ये बचकानी हरकतें करके संबित पात्रा कितनी देर तक बचा लेंगे? चीन सीमाओं में घुस आया है, चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, बोले संबित पात्रा जी जी जिनपिंग एक विलेन है, बोल के दिखाएं, बोले जी जिनपिंग, प्रधानमंत्री जी बोल के दिखाएं जी जिनपिंग एक विलेन है, हम तो बोलते हैं स्पष्ट तौर पर, ये चीन को क्लीन चिट दे रहे हैं। अभी अपनी तमाम जो फेलियर्स हैं चारों तरफ, उससे बचने के लिए संबित पात्रा जी बचकानी हरकतें करने लग जाते हैं, ऊपर अमित शाह जी हेडलाइन मैनेजमेंट करने लग जाते हैं, कभी यहां रेट डलवा दो, कभी वहां सरकार गिरा दो, ताकि चीन पर चर्चा न हो सके। हमने तो स्पष्ट तौर पे अखबारों में पढ़ा कि इनको सबको निर्देश दे दिए गए मंत्रियों को कि चीन पर कोई हल्की टिप्पणी मत करना चीन के विरुद्ध, इतने डरे हुए प्रधानमंत्री, ऐसा 56 इंच, इतना डरपोक 56 इंच हमने नहीं देखा कि चीन का नाम लेते हुए थर थर कांपता है, और यहां आकर आंखें तरेरते हैं किसके सामने? अशोक गहलोत के सामने। साहब अशोक गहलोत चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, सचिन पायलट कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं वो तो हमको दिख ही रहा है, आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, यही सचिन पायलट जब आपके खिलाफ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।